क्या आप जानते हैं कि वो कौन म्यूजिक डायरेक्टर है, वो कौन सा गाना है जिससे उसने हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाई है? तो चलिए फिर शुरू करते हैं, क्या आप जानते हैं शो। टॉलीवुड इंडस्ट्री के जाने माने म्यूजिक डायरेक्टर देवी श्री प्रसाद आजकल सुर्खियों में हैं। हाल ही में इनका नया गाना आया है ओ परी। लोगों ने इसे काफ़ी पसंद भी किया, लेकिन कुछ लोगों का इसे सुनकर कहना है कि गाने के लिरिक्स में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई है। हैदराबाद सिटी पुलिस ने देवी श्री प्रसाद के खिलाफ केस रजिस्टर किया है। एक्ट्रेस कराणे कल्याणी ने साइबर क्राइम स्टेशन में देवी श्री प्रसाद के खिलाफ कंप्लेन दर्ज कराई है। उनका कहना है कि देवी श्री प्रसाद के गाने ओ परी के जो लिरिक्स हैं उनसे लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं। इस गाने को अब तक YouTube पर 2 मिलियन से ज़्यादा व्यूज मिल चुके हैं। गाने में एक विदेशी महिला म्यूजिक पर डांस कर रही है और मंत्र का जाप कर रही है। एक्ट्रेस ने और कहा कि जिस व्यक्ति ने पुष्पा फिल्म के लिए आइटम सॉन्ग का म्यूजिक दिया हो वो इस तरह के गाने रिलीज कर रहा है जिसमें एक फॉरेनर बिकनी पहने मंत्र जप रही है, इससे तो हिंदू भावनाएं आहत हो रही है। सो इसको लेकर आपका क्या कहना है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इंडियन फिल्म हिस्ट्री। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए इंडियन फिल्म हिस्ट्री की ओर से सौगात। अब मनोरंजन के लिए मिनटों तक का इंतजार नहीं, इंस्टेंट एंटरटेनमेंट के लिए फिल्मी शॉर्ट्स है सही। डाउनलोड कीजिए शॉर्ट मनोरंजन ऐप, अब ये उपलब्ध है एंड्रॉइड और iOS में।